ओ भाई साहब, इसी बुक क्या कर रही है नीचे? कह रही बुढ़ा पा गया, चल बुड्ढी गई की। मेरी लाडो जवान है, तू बुड्ढी है। इसी बुढ़े लगा लिया आधा किलो मेकअप अपने ये मेकअप है, शूट नहीं करेगा। कर तो रहा हूँ। चलो इसका चश्मा हटा देता हूँ, सॉरी है ना। आराम से, मैं तो बुलेट से व्हील ही मार देता हूँ। नहीं ओहो, सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। यार रात से ना हमारे घर में हो रही है पानी की दिक्कत, तो इसलिए हमें शूट में निकलने में बहुत देरी हो चुकी है, क्योंकि रात को इसने एक तो मशीन चला दी थी, कपड़े ही नहीं धुल पाए, दिक्कत हो गई पानी की टंकी में। भाई पता नहीं क्या दिक्कत होगी, तो हमने सुबह से 3-4 बार प्लम्बर बुला लिया। अब जाके पानी की सेटलमेंट हुई है, अब जाके सारे लोग रेडी हो रहे हैं और अब जाके हम लोग शूट के लिए निकलेंगे, जो कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। अगर पानी की प्रॉब्लम ना होती तो हम टाइम से उठ के टाइम से सब कुछ रेडी हो जाते। यार कितना स्मार्ट है ना ये लड़का। ये पता है सिब्बू, मेरी 3 साल पहले की फोटो है, फिर उसके बाद मैंने जिम विम करना छोड़ दिया। तो मैं मेरे लड़की कौन है, सावित्री देवी वो लड़की। ए लड़कियां तो बहुत मरती थी उस टाइम मेरे पे, अभी का पता नहीं। देखो एक पागल दिखाता हूँ आपको। ए ओ, बोल पकड़ेगा नहीं जब तक इसके मुंह पे देके नहीं मारूंगा। देखना इसके मुंह पे देके मारूंगा ना, जब ही पकड़ेगा बोल। ले पकड़। अबे अभी भी नहीं पकड़ी। ओह अब पकड़ेगा, अब पकड़ेगा। हैं ले इधर देख। होय इंस्टा इसी बूढ़े लगा लिया आधा किलो मेकअप अपने फेस पे। ये मेकअप है, किसी को भी दिखा, लोशन है ये। पार्ट ऑफ मेकअप है ना, लोशन पार्ट ऑफ मेकअप है। लोशन तुम नहीं लगाते? नहीं मैं कुछ भी नहीं लगाता। झूठ मत बोलो, लोशन तो मैं कुछ भी नहीं लगाता। सर्दियों में वो लगाता हूँ बस कि फेस पे ड्राइनेस ना हो। बस तो मेकअप हो गया। तो ये लोशन कब से मेकअप हो गया? इसके ऊपर मेकअप लगाएगी ना, तो इसीलिए वो तो मैं इसलिए लगाता हूँ सिर्फ कि ड्राइनेस ना हो स्किन पे बस। तो इसलिए ये भी होता है लोशन कि मेकअप इस पे चिपक जाए अच्छे से। चिपक ना जाए यार, स्किन ड्राई ना हो, फटे ना कुछ भी। हां तो सी बुधप्पा होगी गाइस। लड़की अगर कमेंट बता दो, कमेंट करके इनको बता दो जरा लड़कों को लोशन क्यों लगाते हैं। सिब्बू होगी आई स्पाइस। तेरे को पता है आई स्पाइस नहीं होता, आई स्पाई होता है। पता है मुझे, मैंने भी वो रील देखी। आई स्पाइस आई स्पाइस आई स्पाइस। कोई नहीं भाई, हम आई स्पाई नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे आई स्पाइस, क्योंकि हमने बचपन से आई स्पाइस बोला है। सो गाइस हम दोबारा से निकल गए हैं स्कूल के शूट के लिए। आज भी नहीं हुई क्या गाड़ी साफ? हुई है। हाँ कल नहीं हुई थी यार, मैंने बहुत धमकाया उसको गाड़ी वाले को, मगर पैसे मांगे तो टाइम पे आ जाते हो, काम नहीं करते हो, बहाने बना रहा था। आज हो रखी है वैसे साफ, मुझे लगा दूर से आज भी नहीं हो रखी। तो भाई सारे बोल दो राम राम, सारे भाइयों को मेरी राम राम। और अभी निकलते हैं स्कूल के लिए। क्या चल लिया, जल्दी ले आ। जय श्री राम। आ जल्दी हो जाएगा ख़त्म 6-7 बजे तक। सारे आ गए? चलो भाई ये वाली नहीं करी आज साफ। क्या है यार, कभी एक होती है कभी एक नहीं होती, कल ये वाली थी। राम राम भाई राम राम। अबे मेरी गाड़ी कौन चला रहा है, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया। अबे तू कब लेके बैठा इसमें चाबी? बैठ गया था पहले ही भाई। आज है इंडिया और पाकिस्तान का मैच, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग तो देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि शूट करने जाना है। अब सोचो इंडिया पाकिस्तान का मैच मिस करके हम लोग शूट करने जा रहे हैं। जल्दी निपटा ले फिर देखते हो एंड का। कितना ही जल्दी निपटा ले, हम घर पहुंचेंगे अराउंड 7:30 या 8 बजे, और सिर्फ 1 घंटे का मैच बच रहा होगा उस टाइम। वो एंड ही देख पाएंगे हम, पूरे दिन क्या होगा हमें कुछ पता ही नहीं रहेगा। हाँ बीच बीच में स्कोर देख सकते हैं बस, बट इंडिया पाकिस्तान का मैच लाइव देखने में जो मजा है ना, वो स्कोर देखने में कहाँ मजा है यार। स्कोर देखते टाइम ऐसा लगता है वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच देख रहे हैं हम, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का तो लाइव देखने में ही मजा है। सोचो यार शूट के कारण हम मैच भी स्किप कर रहे हैं, तो सोच लो अब देख लो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं भाई। लगातार कितने दिन हो गए मेन चैनल का शूट करते हुए। अरे विनय संतरा लेके आ गया, व्हाट यू वांट ड्रैग रेस। सो गाइस अभी शायद मेरे ख्याल से विनय करने जा रहा है BMW Z4 वर्सेस टाटा टियागो। ड्रैग रेस कर रहा है क्या मेरे साथ? आजा जीत जाएगा, 1 करोड़ रुपए दे दूंगा अगर तू टियागो से मेरे को हरा देगा तो। लेकिन टाटा ठोक देगी BMW को, टूटेगी नहीं लेकिन। ठोकने में आजा चल एक। अरे टाटा होगा अपने घर का होगा, BMW है ये। इंडियन लोहा, इंडियन लोहा, आई अप्रिशिएट इंडियन लोहा, बट BMW से ठुकेगी तो ठीक है। डिजायर विजायर की बैंड बजा जाती है, नेक्सॉन वैक्सॉन डिजायर वगैरह को ठोक के बढ़िया बैंड बजा देती है। चल रेस में मत ठोकने में आजा। आजा एक काम कर, तू भी ला 50 की स्पीड पे, मैं भी लाता हूँ 50 की स्पीड से। आगे से भिड़ाते हैं और देखते हैं कि कौन ज्यादा ठुकेगी, फिर उसके बाद बता। गाइस ये देखो गाइस, ये ऋतिक ना शूट पे लड़की आई है, इसके पीछे लगा हुआ है तब से। जहाँ ये लड़की जाती है उसके साइड में जाके खड़ा हो जाता है। अबे ऋतिक शूट पे ध्यान लगा ले, शूट पे ध्यान लगा ले, देख रहा हूँ तेरे को कल से देख रहा हूँ। क्यूटी पाई बल्लू
हाँ समझ रहा हूँ मैं, ज्यादा तेज मत बन, तू समझ गया ना, ज्यादा तेज मत बन। क्या बोला? बाओ, वाओ को कह रहा बाओ। सुने विनय, मैंने मैंने तो वीली मार रखी, सिर्फ तू मार के दिखा दे। कितनी मारी थी? इतनी उठा दी थी मैंने तो। सच बता रहे, सच कह रहे। मैंने मैंने व्लॉग व्लॉग भी बना रखा अपने व्लॉग चैनल पे। उठाई थी? हाँ उठ गई थी यार, इतनी उठ गई थी। उठा तू, उठा, देखते हैं कितनी उठाएगा। अबे उठा ना। ए नहीं, ओहो हो भाई, विनय तो वो निकला जमुना पार, अत्याचारी सब पे भारी। अकेले बैठ के उठा दो, अकेले बैठा दूंगा। अकेले उठा, उसने पीछे हेल्प कर दिया, वो गालियां दे रहा है। परसों परसों बस भाई सुन, ट्यूसडे के ना हूं। देख एक बार उसको अकेले उठाने देना, एक बार उठा, अकेले उठा, वो पीछे था ना इसलिए वो उठा दी तूने। चल अबे करना एक बार, अकेले उठा के दिखाना, जल्दी जल्दी, तू भी मारेगी बिल्ली। आती है बाइक चलानी मेरे साथ? बाइक पे कितनी घुमा है पीछे बैठ के, मुझे कह रहा है बाइक चलानी आती है। पूछ रहा था मैं, भूल गई हो क्या पता। अकेले मार के दिखाओ। और नहीं नहीं गिरेगा, अकेले मार। चल अब देखता हूँ कितना है तू जमना पारी। चल 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 उठा। हैं नहीं हुआ पाया। भाई वो पीछे यश ने वेट दिया था इसलिए उठ गई थी। अरे यार अच्छी वाली बाइक होती तो उड़ जाती। अच्छी वाली बाइक नहीं है ये भाई, होंडा की बाइक है यार, होंडा की बाइक को ऐसा मत बोल। नहीं उठी। अबे हार गए जमुना पारी, हार गए। चल चल बस, नहीं है बस की, नहीं उठेगी यार ये जमुना पारी अत्याचारी। नहीं है तू अत्याचारी जमुना पारी। चलानी आती है ना सिब्बू? क्या तू बाइक चलाएगी अब? थोड़ी सी पल्सर भी होती है, अपाची भी होती है ना। अरे ऐसा कुछ नहीं है ना, तेरे से पल्सर उठती ना तेरे से अपाचे उठती। मैं तो उड़ जाएगा, मैं तो बुलेट से व्हील ही मार देता हूँ भाई। तुमने देखा नहीं अभी, तुमने देखा नहीं अभी, अभी तो हम गाड़ी से व्हील ही मारेंगे ऐसे ऐसे, ये गाड़ी आएगी। हाँ ऐसे ऐसे चलाएगा। चल चल आराम से, देख कर देख घिसाड़े इसने, आ जा अड़ जाओ भाई। वो कौन कौन सी आती है? रैपिडो, रैपिडो वाली आ गई। गिराई थी वहां पे जाके यार, यहाँ पे स्क्रैच आ रखी है ना। अरे ये था वो है, ये तो एक घिसड़ा था वो है। ओए क्या स्कोर होगा? 159 पे 3 ओवर भाई, अभी नहीं गया। सुन 5 की रन रेट है अभी, ओवर कितने हो रखे हैं? अरे इंडिया जीतेगा कुछ भी हो, इंडिया तो जीतेगी खैर, वो तो है ही अलग बात। कितने हो गए? 31 ओवर्स हो गए, 20 ओवर है। अगर 20 ओवर में 150 भी बना देंगे तो हो गए 300 रन। और एंड क्या है, क्या बोला क्या कह रहे हो? शूट क्या बोला बेटे? गलत संगत में जा रहा है, रहा है पेट बाहर, गलत संगत में जा रहा है तू। कह रहा हूँ 3 इंच पेट बाहर। नहीं तो गलत संगत में जा रहा है, धीरे धीरे 3 इंच पेट बाहर भाई, बात मत पलट। ओ भाई साहब मौका 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 हो गया पाकिस्तान के, अभी तो 3 विकेट थे। अबे यार वो खरीद लेना तू, प्रीमियम ही है ये, प्रीमियम में भी ऐड आते हैं भाई। कितने विकेट हो गए? स्कोर कार्ड तो दिखता है ना नीचे, 6 हो गए ना। ये देखो भाई 168 पे 6 विकेट। ओ भाई पाकिस्तान तो गई, लगातार 2 विकेट गिरी है। ये देखो हो गया। पाकिस्तान तो गई भाई पाकिस्तान, 168 पे 6। अब तो 250 भी ना बनने इनसे, ले 200 भी मुश्किल ही है। 200 तो एक बार को फिर भी बना ले, पर 250 बहुत मुश्किल है। और इंडिया के लिए 250 रन चेस करना इज क्वाइट इजी। कर तो रहा हूँ, पाकिस्तान चली जा, दिमाग मत खराब कर। सीमा हैदर थोड़ी ना हूँ जो पाकिस्तान चली जाऊँ। लप्पू सा तो है सीमा हैदर, लप्पू सा तो रचित है, जिंगूर से उसकी शक्ल है, बोलना वो पे आवे ना, ब्लॉग वो पे बनावा जावे ना। बस जड़े थे। ओ भाई अब स्वाति लेके भाग गई अमन की बाइक। अमन अगली बार से मेरे को लग रहा है तू बिना बाइक के आएगा मेट्रो से। मेरी फोटो तो देख लो कैसी आई है, अबे पूरी दिखा, सारी दिखा, सारी शक्ल हो और देखो। ये देखो भाई डे डाल दियो तू ये सब पागली। छोरी बावली हो रही है के, तू क्यों ऐसा कर रही है कि अगली बार से अमन बाइक ही ना लेके आए, मेट्रो से आए। अरे मैं
मैंने तो फर्स्ट टाइम लिया है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, जो तूने किया ना उस इंसिडेंट के बाद नहीं लाएगा। मैंने तो व्हीली मारी थी बहुत तगड़ी, सिब्बू के व्लॉग में रिकॉर्ड हुआ है, तभी इतनी उठा दी थी मैंने भाई, कितनी ऊपर। तेरे व्लॉग में है ना वो क्लिप, दियो मेरे को, मैं अपने में भी डालूंगा। क्लच चेंज करवाना पड़ेगा। नहीं नहीं वो क्लिप मेरे को दियो, मैं अपने में भी डालूंगा। ठीक है वो वाली दियो जिसमें मैंने बाइक चलाई, मैं अपने में डालूंगी। ठीक है डन है, एक्सचेंज कर लेंगे क्लिप्स। ओके थैंक यू। सो गाइस ये देखो क्या बोलते हो, रचित उठाएगा गाड़ी, उठाओ बाइक उठाने वाला है रचित, देखते हैं आज। ये 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 अरे आराम से, ये देखो उसकी शक्ल देखो, शक्ल देखो इसकी, बाइक भाई इसकी है ना इसलिए। अरे यार अमन की शक्ल देखने लायक हुई। उठी क्या? नहीं नहीं उठी। अरे अमन कोई नहीं, होता है होता है होता है, कोई बात नहीं, मुंह मत बना यार, मैं बार बार फाइव आ जाएगी एक मुंह देखो इसका। भाई यहां से उठाओ उठाओ। कैसा था? ये ऑसम, आज खत्म थी कहानी, जो जो आगे था। रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं मेरे में हो गया। दिखाइयो कितनी बहुत उठी थी यार ये तो। ओके भाई मिलते हैं, बाय। टेबल टेनिस का मैच, ₹1000 का डन। जुआ नहीं लगाता भाई मैं, जुआ नहीं है भाई, बस मजे के लिए खेल लेते। प्राइज अमाउंट है बस, डन। कौन कौन देगा वो प्राइज? हारा तो तू देगा, तो जीता तो मैं ले लूंगा। ₹500 डालना दोनों, जो जीता वो ले। जो जुआ हो गया ये तो भाई। हाँ जुआ थोड़ी हुआ, जुआ यार पत्ते खेलना होता है और शर्त लगाना होता है। इसको आप ऐसे कह सकते हो, एंट्री फीस ₹500, एंट्री फीस हजार है। हाँ ठीक है ओके गाइज, छत पे आया हूँ स्पेशल, छत से अपनी गाड़ी का व्यू दिखाने के लिए। पता है कैसी लगती है देखो। ओ भाई साहब ये सिब्बू क्या कर रही है नीचे, अच्छा रील बनवा रही है। गाइज बाकी देखना कितनी मस्त लग रही है, सामने राम राम लिखा है, पीछे लाडो लिखा है, एक नंबर भाई, पुच्ची मेरी तरफ से। ओए अभी पता है क्या हुआ, मैंने ऊपर से ऐसे करा पुच्ची मेरी तरफ से, अमन देख के कह रहा हूँ, अमन को लगा मैं उसको पुच्ची दे रहा हूँ। भाई मैं अपनी गाड़ी को पुच्ची दे रहा था ऐसे। तुम ये बताओ फोटो खिंचवाने आए हो या फिर मेरे साथ फोटो खिंचवाने आए हो या फिर गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने आए हो? हाँ मेरे साथ या गाड़ी के साथ? अच्छा क्या करूँ? ओह माय गॉड गाइस ऑटोग्राफ चल रहे हैं यहाँ तो। प्रिंट आउट निकलवा के बांटते हैं। ये लो भाई सबके कर देता हूँ। Yeah, समी से ऊपर देखो flying only best class, काला जादू करे कलम मेरी call it witchcraft, कितने गाने लिखे ही नहीं I do freestyle, कितने गाने डाले ही नहीं भरे कितने पड़े trap, मुझे success के अलावा कुछ भी दिखे ही नहीं, homies got me covered पूरी भीड़ उसने रोकी हुई। चलो भाई तुम सबकी फोटो आ गई ना? Yes. Okay, चलो मैं जा रहा हूँ अभी, मेरी गाड़ी कौन चुरा रहा है वे? अबे अनलॉक का दबा दे। अबे चोर मेरी गाड़ी चुरा रहा है। चलो भाई गाइज ये तो बहुत सारे बच्चे आ गए, ऐसे और भी आ रहे हैं। ठीक है भाई बाय बाय। ओके बाय बाय बाय। सिब्बू चले, सिब्बू के भी ऑटोग्राफ हो रहे हैं। बाय चलो उस साइड हो जाओ, मैं चल मैं गाड़ी चला के घर पे लेके चल रहा हूँ। चल रील बना ली, आ जा जल्दी या फिर उठ जा, इतनी स्लो स्लो क्यों आ रही है? बुढ़ापा आ गया कह रही, बुढ़ापा आ गया, चल बुढ़ी गई गई मेरी लाडो जवान है तू बुढ़ी है। गाइस ये देखो ये घोस्ट राइडर कहाँ से आ गया, कौन है ये मुझे नहीं पता, तेरा फोन कहाँ है? अमन से पूछना किसको दिया था लास्ट, उसी के पास होगा। भाई पिछली 40 मिनट से ना इतने गंदे जाम में फंसा हुआ हूँ, घर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे हूँ, 1.8 किलोमीटर, और यही फंसा हुआ हूँ इतनी देर से, इतने से पैच में ना 40 मिनट से फंसा हुआ हूँ। ये देखो गाइस सिब्बू तो गाड़ी में ही सो गई जाम में फंसे फंसे ना, हालांकि शूट पे थक गई होगी, दो तीन दिन से इसकी तबीयत भी खराब है, और देख लो गाड़ी में ही सो गई, चश्मा भी नहीं हटाया। चलो इसका चश्मा हटा देता हूँ, सॉरी है ना, चल तू आराम से सो जा। लो भाई इसका चश्मा रख देते हैं यहाँ पे, आराम से गुड नाइट ले तू। मेरे को तो लग रहा है 1.8 किलोमीटर जाने के लिए अभी हमें एक घंटा और वेट करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में एक मस्त आइडिया आया है, मैं एक काम करता हूँ,
मैं एक काम करता हूँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, मैच देखता हूँ आराम से गाड़ी में बैठ के, मजा आ जाएगा मेरे को तो। गाइस घर आके कपड़े वगैरह बदल के भाई अभी मैं और विनय वापस जा रहे हैं मार्केट में। इंडिया मैच जीत रही है भाई, बस 10 रन चाहिए इंडिया को। ओनली 10? बस 10 रन। 10 तो प्यार से ब्रो, यूं ही मिल जाएंगे। और मार्केट इसलिए जा रही है, एक तो इस पे टेम्पर लगवाना है, और मेरे फोन पे भी टेम्पर नहीं है, उस पे भी टेम्पर लगवाना है, बाकी मेरा बैग तो टूट चुका है और पीछे भी एक बैक कवर लगवा लूंगा अच्छा सा, ताकि और टूट फूट ना हो इसमें। तो गाइस वापस घर आ गए हैं और फाइनली टेम्पर्ड ग्लास लगवा लिया है और कवर भी लगवा लिया भाई, फोन के भी और अपनी आई वॉच अल्ट्रा के भी। और अगर यही काम मैंने पहले करवा लिया होता ना, तो मेरा फोन का डैमेज ना हुआ होता। तो एक तो देखो, मेरे को बात करनी थी जो लोग मेरे को हेट कमेंट्स कर रहे हैं, और हेट कमेंट्स किस चीज़ के लिए कर रहे हैं मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कल बात करूँ, ठीक है। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं, क्योंकि पूरे दिन से शूट करके थका हुआ हूँ, बिल्कुल मूड नहीं है उस बारे में बात करने का। लेकिन हाँ, ये जो हेट कमेंट्स लोग कर रहे हैं इतनी ज़्यादा, इसके बारे में बात ज़रूर करूँगा, कल करूँगा। और कल से नवरात्रे भी स्टार्ट है, तो सबको फर्स्ट नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रे स्टार्ट होने की सबको हार्दिक शुभकामनाएं, जय माता दी मेरी तरफ से सब लोगों को, और आप लोग भी जय माता दी कमेंट करना। बाकी अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। कल 11 बजे मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, और कल हेट कमेंट्स के बारे में बात ज़रूर करूँगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, खुश रहो और बोलो जय श्री राम।